वृद्ध बद्री रह गया यहाँ से 4 मिनट की दूरी पे। ये है देखो वृद्ध बद्री का गेट, 30 मीटर ऊपर ही है बस। अपने वृद्ध बद्री में आई सुंदर, कितना प्यारा मंदिर लग रहा है यार। टूट के गिरेगा उस दिन बद्रीनाथ बंद हो जाएगा। चलो भैया चल दिए अपन, कल्पेश्वर को करते हैं बाय बाय। बाय बाय कल्पेश्वर महादेव, चलते हैं यहाँ से। अभी 1:30 बज रहा है, कल भी 1:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था, कहाँ ये आदि बद्री। आज भी 1:30 बजे लगभग मैंने कल्पेश्वर कर दिया। अब जाऊँगा यहाँ से वृद्ध बद्री और होटल लूँगा कहीं जोशीमठ वगैरह में। लो जी लो, अपन पहुंच गए हैं दोबारा से बद्रीनाथ हाईवे। हो वृद्ध बद्री रह गया यहाँ से 4 मिनट की दूरी पे। होटल रिव्यू रेस्टोरेंट, नहीं तो यहीं होटल ले लेता हूँ, 2:30 तो बज गए, या फिर वृद्ध बद्री करके सीधा जोशीमठ। देखो जोशीमठ 13 किलोमीटर रह गया केवल, तपोवन 30, माणा 61, बद्रीनाथ 57। खराब रोड के बाद अच्छी रोड में चलाने का मजा ही कुछ और है साला। खराब रोड पे ना थक जाता है इंसान बहुत जल्दी। देखो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर करे मैंने, उसमें मेरी गर्दन मर्दन सब दुखने लग गई, बहुत जोर पड़ता है ना पूरी बॉडी पे। ये है देखो वृद्ध बद्री का गेट, 30 मीटर ऊपर ही है बस। चलो भैया प्रसाद ले लिया। ये है आदि बद्री, नहीं सॉरी वृद्ध बद्री। देखो चलो चलते हैं वृद्ध बद्री के भी आपको दर्शन करवाते हैं। ये रास्ते में ये यहाँ से जोशीमठ लगभग 13 किलोमीटर है, 12-13 किलोमीटर है ना। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से करके फिर जोशीमठ ही चले जाऊँ, अगर टाइम मिला होटल में रुकने के बाद तो। वहाँ पे एक नरसिंह देवता मंदिर है, नरसिंह देवता मंदिर भी दिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो पहले मैंने कहा अब यहाँ भी क्या रुकना है ना, जोशीमठ है पास में ही अपना, जोशीमठ में रुकेंगे। यहाँ के नज़ारे देख लो, पहाड़ी ओए होए। रोड पे ही है इसका गेट, वो थोड़ा सा मिट रखा है वृद्ध बद्री ना, दिखेगा नहीं इसलिए आसानी से, लेकिन लोकेशन में पता चल जाएगा। सामान मैंने आंटी के यहीं रख दिया। चढ़ा नहीं जा रहा भैया, इतने कपड़े पहने ना, वो देखो वो है मेरे धन्नो। देखो संतरे लगे, संतरे गांव में संतरे कितने सारे पेड़ रखे हैं, देखो लोगों ने वो कर रखा है, वो रखे। ये कुछ गांव ऐसा वृद्ध बद्री वाला, वो नीचे रोड रह गई, ये रोड जा रही है जोशीमठ के लिए। जी भैया पहुँच चुके हैं अपने वृद्ध बद्री में, वो देखो वृद्ध बद्री, देखो दर्शन कर लो। ये है प्रभु, ये है वृद्ध बद्री, ये इसका गेट और ये है मेन मंदिर। ये है मेन मंदिर, अंदर भगवान जी उधर है भोलेनाथ, और ये है इसके बारे में वृद्ध बद्री। देखो चलो जी, देख लिया हमने, दर्शन कर लिए, अब चलते हैं नीचे की तरफ को है ना। ये है मंदिर, भगवान जी को करते हैं बाय है ना। पंडित जी आज है नहीं तो हमने खुद ही टीका लगा दिया। उधर है भोलेनाथ का मंदिर, वहाँ पे दर्शन कर लिए। ये है मंदिर के बारे में कुछ ऐसा, और ये है बाहर का नज़ारा। चलो भैया हो गए दर्शन भगवान जी के, बढ़िया। तो हमारा वृद्ध बद्री भी कंप्लीट, तो हमारे 3 बद्री कंप्लीट हो चुके हैं। पहला बद्रीनाथ,
ठीक है, दूसरा आदि बद्री, तीसरा वृद्ध बद्री, अब भविष्य बद्री और योगध्यान बद्री, ये दोनों रह गए हैं। और देखता हूँ जोशी मठ अगर मैं जल्दी पहुँच गया तो होटल लेके आपको वहाँ एक नरसिंह देवता मंदिर है ना, वो भी आपको दिखाऊँगा। चलो भैया व्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलते हैं नीचे की तरफ को, क्या हो गया, क्या हो गया आपको? बोर हो रही है। अकेले घूमने का ही मजा ही कुछ और है, नहीं है? मम्मी मम्मी लगी हो चिल्लाने में। चलो जी कर रही है दर्शन, वृद्ध बद्री भी कंप्लीट हो चुका है और हम चल दिए हैं जोशी मठ की तरफ को। जोशी मठ यहाँ से 10-11 किलोमीटर 12 किलोमीटर है लगभग। चलो मिलते हैं आपसे जोशी मठ में। लो जी, लो भाई साहब, जोशी मठ 1 किलोमीटर, बद्रीनाथ ओली ऊपर के लिए है 16 किलोमीटर। मुझे लग रहा ओली वाले रास्ते में ही होगा, आई थिंक सो। वो क्या बोलते हैं उसको, भविष्य बद्री। अब देखता हूँ मंदिर कहाँ पे, किस साइड पे है, कहाँ पे है, वहीं पे होटल लेते हैं फिर। जोशी मठ में यहीं पे ही ट्रैफिक लगता है केवल, ये रोड पतली है ना, और आगे तो बद्रीनाथ हाईवे बहुत चौड़ा, इसके बाद जैसे जोशी मठ नीचे तक ख़त्म होता है पुल के बाद, और यहीं पे ही जाम लगता है हमेशा से। इनको कोई दूसरा रूट बनाना चाहिए जोशी मठ, ताकि बीच में ना आए, ऐसा कोई रूट होना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगता है, बहुत ज़्यादा। और मेन होता है ट्रैफिक ना लगे, ऐसे ऐसे बड़े ट्रक है ना, ऐसे ऐसी बसेस जाती हैं, और वो बस ट्रक ये सब ट्रैफिक लगा देते हैं, ये दिक्कत है। लो जी एक खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, ये नरसिंह मंदिर है ना, और ये ले लिया मैंने होटल, अंदर मेरा रूम है, ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ को, जरा भगवान जी के दर्शन कराएं। ये लगा दी मैंने अपनी धनो यहाँ पे, है ना, और ये ले लिया मैंने होटल। ये देखो नरसिंह देवता मंदिर की एंट्री, श्री नरसिंह मंदिर, श्री नरसिंह मंदिर जोशी मठ। आज मेरे 3 हो जाएंगे मंदिर, पहला मेरा कल्पेश्वर हुआ, ठीक है, उसके बाद मेरा वृद्ध बद्री हुआ, और अब नरसिंह मंदिर, 3 मंदिर आज कंप्लीट हो जाएंगे। आ गए हैं मंदिर में, देखो क्या ही सुंदर, कितना प्यारा मंदिर लग रहा है यार, ओए होए। श्री नरसिंह मंदिर, ये है जी श्री नरसिंह मंदिर, ओए होए क्या ही खूबसूरत है। चलो पहले दर्शन कर लेते हैं फिर आपको करवाएंगे दर्शन, ठीक है। ये भाई ऐसे कुछ मंदिर है ना, भोग काउंटर ये है, मंदिर ये है, पूछताछ कक्ष, भोग प्रसाद, मेरे भोलेनाथ का मंदिर ये है, ये है मंदिर कुछ ऐसा। देखो चेंजिंग रूम वगैरह सब कुछ है, ये तरीके से बनाया गया मंदिर है ना, देखो इधर आ रही है इधर से, ये है मेरे भोलेनाथ, ये है मेरे भोलेनाथ, ये है पूरा मंदिर का व्यू, ये है मंदिर कितना ही शानदार है, ये यहाँ के नज़ारे, ये है देखो नरसिंह देवता, देखो नरसिंह देवता,
पढ़ लो उसके बारे में जानकारी। क्या ही खूबसूरत मंदिर है। मैं इतनी बार जोशीमठ से गया लेकिन पहाड़ियाँ देखो बर्फीली, होए होए क्या ही खूबसूरत मंदिर है। देखो इसको बोलते हैं मनोवाग, मनोकामना वृक्ष। अपनी मनोकामनाएं मांगो और फिर चुन्नी बांधो, फिर इसको निकाल के जाओ। देखो चलो भैया नरसिंह देवता को करते हैं बाय बाय, एक बार दर्शन आप भी कर लो। कहते हैं ना नरसिंह देवता यहाँ पे जोशीमठ में ना नरसिंह देवता मंदिर है, यही वाला मंदिर। इसमें नरसिंह देवता का एक हाथ है ना वो पतला 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 हो जा रहा है। कहते हैं जिस दिन वो टूट के गिरेगा उस दिन बद्रीनाथ बंद हो जाएगा। देखो कैसे पुराने पुराने घर हैं, तोरी है तो ऐसा कुछ लिखा है। बाकी अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। हम चल रहे हैं होटल की तरफ को, खाना वाना खाते खाते पीते हैं। मैं सीधा सामान रख के सीधा आ गया। मैंने कहा फिर अभी उजाले उजाले में मंदिर हो जाऊँगा ना, फिर सुबह सुबह थोड़ा मंदिर आने में फिर दिक्कत, फिर सामान और फिर वो क्या बोलते हैं तैयार त्यार होना पड़ता है। अभी फिर सीधा यहाँ से सुबह तैयार होके सीधा भविष्य बद्री।